क्या होली के दिन आपका भी सारा टाइम किचन में पार हो जाता है, और जिस कारण से होली जैसे फेस्टिवल को आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर पाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे होली के टिप्स एंड हैक्स शेयर करने वाली हूं, जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो होली के दिन आपका भी किचन का काम हो जाएगा बिल्कुल आधा। तो अगर ये वीडियो आपको जरा से भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑल्सो, ताकि आपको मेरे इस तरह के यूजफुल वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो चलिए आज का ये होली स्पेशल वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। होली है तो घर में किसी न किसी तरह का आइसक्रीम तो बनेगा ही, क्योंकि उस टाइम ना तो सर्दी रहती है ना तो पूरी तरह से गर्मी रहती है, और हम उस टाइम आइसक्रीम को अच्छी तरह से इंजॉय कर पाते हैं। लेकिन आप आइसक्रीम बनाने का पूरा प्रोसेस अगर होली के दिन रखते हैं तो ये आपका पूरा दिल ले लेगा। तो मैं क्या करती हूँ कि कुल्फी प्रीमिक्स को पहले ही घर में बना के रख लेती हूँ। इसके लिए मैं लेती हूँ पैन, पैन में डालती हूँ आधा कप चीनी, और चीनी को यहाँ पर मैं ब्राउन करती हूँ। यहाँ पे हमें किसी भी तरह का पानी को ऐड नहीं करना है, बस चीनी को हमें मेल्ट करना है। और जब तक चीनी मेल्ट हो जाता है मैं बना लेती हूँ बटर पेपर। अगर आपके घर में बटर पेपर अवेलेबल है तब तो ठीक है, वरना आप घर पे भी बटर पेपर को बना सकते हैं। आप सिंपल से ले लें कोई पेपर और इसके ऊपर लगा दें आप ऑयल, तो बस हमारा बटर पेपर बन के तैयार है। और ये देखिए चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। तो बस चीनी जब इस तरह के ब्राउन कलर में आ जाए मैं इसे निकाल लूंगी एक बटर पेपर पे और इसे हार्ड होने के लिए छोड़ दूंगी। नेक्स्ट मैं लूंगी 4 ब्रेड के स्लाइस और इसके साइड वाला एरिया को कट कर लूंगी और इसे तोड़ के मैं डाल दूंगी मिक्सर ग्राइंडर पे। और फिर इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लूंगी। ये देखिए ब्रेड का फाइन पाउडर बनके तैयार है। तो जैसा कि मैं प्रीमिक्स बना रही हूँ तो इसकी सेल्फ लाइफ को ज़्यादा करने के लिए मैं लूँगी एक पैन, और पैन में लगभग 2 से 3 मिनट इस ब्रेड को फ्राई करूँगी बिना किसी ऑयल का। बस ऐसे ही इसे हमें फ्राई करना है। ये देखिए चीनी भी हार्ड हो गई है, अब हम इसे हटा लेंगे और इसे तोड़ लेंगे और इसे मैं डालूँगी मिक्सर ग्राइंडर के जार में और इसका एक फाइन पाउडर बना के तैयार कर लूँगी। तो बस हमारा कुल्फी प्रीमिक्स बनने को तैयार है। लेंगे एक बोल, बोल में सबसे पहले डालेंगे ब्रेड क्रम्स। आप यहाँ पर रेडीमेड ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ब्रेड क्रम्स को घर पे बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। डालूंगी पिसी हुई चीनी, ये ब्राउन शुगर को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसमें डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर, यहाँ पर आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच यहाँ पर मैं कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ ताकि कुल्फी का टेस्ट बिल्कुल रहे परफेक्ट। 1/2 चम्मच कुटी हुई इलायची, और ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद का कोई भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं आलमंड, कैशू एंड पिस्ता को डाल रही हूँ, और इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ड्राई रोज पेटल्स और फिर इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मैं होली में तो ये प्रीमिक्स बना के रखती हूँ, बट ये मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ ताकि पूरे समर इस कुल्फी प्रीमिक्स को मैं इंजॉय कर सकूँ। आप इस प्रीमिक्स को एयरटाइट कंटेनर में 6 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और अगर आप इसे बाहर रखते हैं तो आप 2 महीने तक इस प्रीमिक्स को आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं होली में इसे बनाती हूँ और पूरे समर इसका इंजॉय करती हूँ। तो ये लीजिए कुल्फी प्रीमिक्स बन के तैयार है। तो होली के 10 दिन पहले ही मैं ये सारे काम कर लेती हूँ ताकि होली के दिन गैस में लूँ सिर्फ 1 ग्लास दूध और उसके बाद डाल दूँ इसमें 1/2 कप मैं ये कुल्फी प्रीमिक्स। इसे मिक्स करेंगे जब तक ये इस तरह गाढ़ा ना हो जाए। मेरे पास इस तरह का मटका है, मैं हर होली को इस तरह का मटका कुल्फी बनाती हूँ। इसे डालेंगे और इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी। और इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी। अब बताइए होली के दिन हमारा काम हो गया ना बिल्कुल आधा, बस हमें इसे दूध में बॉईल करना है और इसे फ्रीजर में रखना है। तो होली के दिन आप भी इस तरह से अपने किचन को काम को कर सकते हैं बिल्कुल आधा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। सेम इसी तरह से कांजी वड़े के पानी का जो मसाला होता है ना, वो भी मैं प्रीमिक्स बना के रख लेती हूँ। और ये सारे काम होली के पहले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्रीमिक्स रहने की वजह से बस मैं उस दिन वड़ा को फ्राई करती हूँ और इसे डाल देती हूँ पानी में। तो कांजी वड़ा की पाचक वाली पानी कैसे बनती है ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने लिया एक पैन, पैन में डाल रही है 2 चम्मच पीली सरसों, 1 चम्मच काली सरसों, ये काला वाला जो सरसों आता है ना वो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ,
आधा चम्मच अजवाइन, क्योंकि होली के दिन हम इतना कुछ खा लेते हैं तो डाइजेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए ये मैं कांजी वड़ा का पाचक वाला पानी बनाती हूँ। और इसके बाद इसमें डालूंगी सूखी लाल मिर्च और इसे हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट करने के बाद एक मिक्सर ग्राइंडर का जार लेंगे, इसमें मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। बिल्कुल फाइन पाउडर तो नहीं बनाना है हमें, इसे हल्का सा दरदरा रहता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए कांजी वड़ा की पाचक वाली पानी का प्रीमिक्स मैंने पहले से घर में बना के तैयार कर लिया है, बस इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग और ये हमारा प्रीमिक्स बन के तैयार है। आप कांजी वड़ा का पानी एक दिन पहले भी, मतलब एक रात पहले भी आप बना के अपने फ्रिज में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपका किचन का काम और कम हो जाएगा, बस उस दिन आपको वड़ा को फ्राई करना रहेगा। तो यहाँ मैंने 1 लीटर पानी लिया है, 1 लीटर पानी में मैं डालूंगी 1/4 चम्मच हल्दी। अब डालेंगे 2 से 3 चम्मच ये पाचक वाली पानी का प्रीमिक्स, ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप टेस्ट करके उस समय देख लीजिएगा। फिर डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला एंड सादा नमक। आप यहाँ पर इसे टेस्ट करके देख लिए, एकदम चटकारा वाली फीलिंग आपको ना आए तब आप थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मसाला और डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पत्ती और ये कांजी वड़ा का पानी बन के बिल्कुल तैयार है। और बस होली के वाले दिन क्या करती हूँ कि भींगी हुई 1 कप मूंग दाल और 1/2 कप उड़द दाल को पेस्ट बना लेती हूँ। उसके बाद इसमें हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक, नमक, हल्दी ये सारे डाल के इसे अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ और फिर तेल में फ्राई कर लेती हूँ। बट इसे मैं डायरेक्ट कांजी वड़े वाले पानी में नहीं डालती हूँ, इसके पहले लेती हूँ 1 लीटर पानी और इसमें थोड़ा सा हींग डालती हूँ। ऐसा करने से कांजी वड़ा का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ के आता है। अब वड़ा को फ्राई करके मैं सबसे पहले डालती हूँ ये पानी में, 5 मिनट के लिए ये पानी में डालेंगे, उसके बाद वड़ा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। स्क्वीज करके मैं कांजी वड़े के पानी में डालती हूँ। जब भी होली के दिन कांजी वड़े खाना रहता है तो 10 मिनट पहले उस पानी में डालती हूँ और उस पानी का सारा फ्लेवर आ जाता है कांजी वड़ा में, और होली के दिन अपने फैमिली के साथ इस कांजी वड़ा को एंजॉय करती हूँ। देन अब बात करते हैं कलर्स की। आजकल इतने केमिकल वाले कलर आने लगे हैं कि हमारे स्किन खराब हो जाते हैं, आंखों में चल जाए तो आंख में जलन होने लग, स्किन रैसेस और ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम आने लगती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ ऑर्गेनिक कलर की, जिसे मैं घर पे बनाना पसंद करती हूँ। तो उसके लिए एक बोल में मैं लेती हूँ कॉर्नफ्लावर और कॉर्नफ्लावर में डालेंगे थोड़ा सा पानी। उसके बाद आप अपने मनचाहा कोई भी फूड कलर यहाँ डाल सकते हैं, पीला, लाल, ब्लू, हरा। तो यहाँ मैं पीला डाल रही हूँ, आगे मैं सारे कलर्स आपको बना के भी दिखाऊंगी। और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसे ट्रांसफर करेंगे एक प्लेट में और इसे सूखने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे छोड़ देती हूँ। और जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो ये देखिए इस तरह का ये हार्ड हो जाता है। एक स्पून के हेल्प से मैं इसे निकालती हूँ और इसे डालती हूँ मिक्सर ग्राइंडर के जार में। बस इसे हमें करना है ग्राइंड और आपका ऑर्गेनिक कलर बनके तैयार है। ये देखिए यहाँ मैंने पीला, गुलाबी, हरा हर कलर को बना के तैयार कर लिया है। और इसे भी मैं होली के पहले जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इन सारे कलर्स को बना के तैयार कर लेती हूँ। अब ये कलर्स आंखों में जाए, बाल में जाए या चेहरे पर लगे, हमें ये कलर प्रॉब्लम नहीं करता, ना ही कोई स्किन प्रॉब्लम होती है, ना ही किसी तरह का रैसेस होता है। अब होली है तो ठंडाई तो बनेगी ही, लेकिन कभी कभी होली के दिन क्या होता है कि लाइट नहीं रहती है, हमें मिक्सर ग्राइंडर को चलाना रहता है। बट कभी कभी लाइट की प्रॉब्लम होने की वजह से सारी प्रिपरेशन धरी की धरी रह जाती है और हमारा सारा शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि ठंडाई प्रीमिक्स को पहले ही बना लेती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है कि लेना है एक बोल, बोल में डालेंगे 1 छोटी कटोरी काजू, 1 छोटी कटोरी पिस्ता, 1 छोटी कटोरी आलमंड, 1 चम्मच सौंफ या जिसे हम फेनल सीड भी कहते हैं, देन 1/4 चम्मच गोलकी पाउडर यानी जिसे हम ब्लैक पेपर पाउडर भी कहते हैं वो डाल रही हूँ, 1 चम्मच खसखस या जिसे हम पोस्तो या पॉपी सीड्स भी कहते हैं, 4 से 5 इलायची और कुछ सूखे हुए गुलाब के पत्ते। बस इन सारी चीज़ों को करना है मिक्स और मैं इसे डाल रही हूँ मिक्सर ग्राइंडर के जार में और इसे मैं कर रही हूँ ग्राइंड। आप इस तरह के ठंडाई का प्रीमिक्स बना के घर पे रख सकते हैं, होली रहे या गर्मी रहे, इस तरह का ठंडाई पीना हमें हमेशा पसंद है। और बस होली के दिन अगर पावर कट हो, लाइट ना रहे, कोई भी प्रॉब्लम ले, आपकी प्लानिंग बिगड़ेगी नहीं, जैसा आपने शेड्यूल किया है अपने, आपका डे वैसे ही स्मूथ रहेगा। तो इस तरह का प्रीमिक्स बना के मैं पहले ही रख लेती हूँ बस। और डालेंगे पिसी हुई चीनी,
मैंने यहाँ पर प्रीमिक्स में चीनी का यूज नहीं किया है, इसलिए अलग से चीनी डालेंगे। चीनी डालने का ऑप्शन ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीनी कितना लेना पसंद करते हैं। वैसे ड्राई फ्रूट्स की तो अपनी एक मिठास होती है। अब पिसी हुई चीनी समर के दिनों में मैं घर पे हमेशा अवेलेबल रखती हूँ, और होली के दिन ठंडाई बन के तैयार है। तो बोलिए, अब आपको दूध में सिर्फ इस प्रीमिक्स को ऐड करना और ठंडाई बन जाए तो आपका कितना ज़्यादा टाइम बच जाएगा। आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकेंगे, होली खेल सकेंगे। तो ये तो थी थोड़ी किचन की बातें, अब बात करते हैं सेल्फ केयर की। जब हम होली खेलने जाते तो हमारे नेल्स में कलर लग जाते हैं जिसे हटाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। बालों में कलर लग जाते हैं जिससे बाल रफ हो जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि होली के पहले ही हाथों में अच्छी तरह से नेल पेंट लगा लीजिए। ऐसा करने से आपके नेल्स पे कलर नहीं लगेंगे और आपके नेल हमेशा खूबसूरत रहेंगे। अपने बॉडी एंड अपने हेयर को अच्छी तरह से तेल से मसाज कर ले ताकि कोई भी कलर आपके बालों पे और आपके स्किन पे चढ़े नहीं। मैं ये चीज़ हमेशा फॉलो करती हूँ, और जब मैं होली खेल के आती हूँ तो इस तो कलर्स को निकालना रहता है बिल्कुल आसान। एक बार क्या हुआ था कि मैंने बनाई थी होली पे चाट, और चाट की जो मीठी चटनी होती है घर में ना इमली थी ना ही खजूर। अब बताइए होली के दिन कहाँ आपको इमली और खजूर मिलेगा बाहर जाके। तो अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो मैं मीठी चटनी बनाने का आपको बहुत ही नायाब नुस्खा बताती हूँ। आपको क्या करना है, एक सॉस पेन लेना है, डालना है थोड़ा सा पानी और डालना है गुड़, लेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काला नमक और एक चौथाई चम्मच सादा नमक, और बस इन सारी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। जब तक गुड़ मेल्ट ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है, और आपको ये मीठी चटनी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी कि आपके चाट का स्वाद तो ऐसे ही डबल हो जाएगा। और इसका टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करती हूँ लाइक किशमिश और काजू। तो अगर आपके घर में इमली खजूर ये सारी चीज़ें नहीं भी है तो भी आप मीठी चटनी को बना सकते हैं। ऐसे में ये चटनी मल्टीपर्पज़ हो जाती है, पकौड़े के साथ खा सकते हैं, चाट में यूज़ कर सकते हैं, दही भल्लों में ले सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज चाट है, और इसे भी आप पहले बना के रख सकते हैं और होली के दिन अपने किचन के काम को बिल्कुल आधा कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर जरूर करें क्योंकि होली के दिन सभी को किचन में बहुत ज्यादा काम रहता है, बट ये वीडियो देख के आप अपने काम को कर सकते हैं बिल्कुल आधा। चलिए मैं फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।